National Conference on Delivering Democracy इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन हेतु हमारे बीच उपस्थित जिनकी प्रतिमा आधुनिक भारत में एक लोह पुरुष के रूप में देखी जाती है, ऐसे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री वी सतीश जी, श्री रवि साठे जी, श्री जगदीश जाधव जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, रामभाव म्हाळगी प्रबोधिनी की ओर से आदरणीय गृहमंत्री जी का और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें बहुत हर्ष है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक प्रमुख के रूप में कार्यकाल को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है और उनके गवर्नेंस के भिन्न भिन्न पहलू जो है उसके परिप्रेक्ष्य में यहां पर चर्चा भी होने वाली है और ये सारे पहलू हमारे सामने भी आने वाले हैं। हम लोग कई बार ये कहते हैं कि और आज के आधुनिक युग में कुछ व्यक्तियों का वर्णन ये मैनेजमेंट गुरु के तौर से होता है, कहते हैं कि इज अ मैनेजमेंट गुरु। हमारे देश में कई मैनेजमेंट गुरु है, उनमें से कई अग्रज भी है, किंतु भारत की राजनीति में पहली बार एक गवर्नेंस गुरु तैयार हुए है और उन गवर्नेंस गुरु का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक गवर्नेंस की नई परिभाषा हमारे सामने लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया और विशेष रूप से जो चीजें केवल चर्चा में होती थी, हम ऊंचे मूल्यों की बात तो हमेशा करते रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना, यथार्थ में लाना, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य था लेकिन उस कार्य को भारत की कार्य संस्कृति में लाने का काम ये मोदी जी ने किया। और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुरुआत उन्होंने की वहां से लेकर तो पिछले 7 सालों से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आया हुआ हर वर्ष हमारे लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई देने वाला, हमारे गवर्नेंस को एक नया आयाम देने वाला और देश की तरक्की में आम आदमी की सहभागिता को बढ़ाने वाला, इस प्रकार का ये उनका कार्यकाल हमने देखा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके विचारों पर हम चलते हैं, वो ये कहते थे कि लोकतंत्र लोगों के कर्तव्य की पूर्ति के लिए उपकरण है, साधन की प्रभावशीलता लोगों के जीवन में राष्ट्र की भावना, जिम्मेदारी की चेतना और अनुशासन पर निर्भर करती है। यदि यह संस्कार नागरिकों में अनुपस्थित है तो लोकतंत्र व्यक्ति, वर्ग और दल के हित के साधन के रूप में पतित हो जाता है। स्वराज की व्याख्या में 3 बातों का समावेश है। पहली, सरकार उनके हाथों में हो जो इस राष्ट्र का हिस्सा है। दूसरा, सरकार राष्ट्र के हित में काम करती हो। और तीसरा, सरकार की स्वयं की क्षमता हो कि वे राष्ट्र हित में निर्णय कर सके। इसका मतलब ये कि आत्मनिर्भरता के बिना स्वराज्य की कल्पना व्यर्थ है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तीन परिभाषाएं एक आत्मनिर्भर देश की पंडित दीनदयाल जी ने की थी, उन परिभाषाओं को यथार्थ में लाकर उन्हीं पदचिन्हों पर चलकर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है और हम सब लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। और विशेष रूप से जब लोकतंत्र की बात आती है तो मोदी जी ये कहते हैं लोकतंत्र के बारे में, हम उस देश से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, माता है। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक विचार है। भारत में लोकतंत्र केवल संवैधानिक व्यवस्था नहीं, एक स्पिरिट भी है। हमारे लिए लोकतंत्र केवल संविधान की धाराओं का संग्रह नहीं बल्कि जीवन धारा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो विचार आदरणीय मोदी जी ने रखे हैं, उन विचारों पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के फोकस में लाया, गरीबों की बातें सब करते थे किंतु गरीबों के लिए योजनाएं तैयार करना और उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना, ये पहली बार इस देश में हुआ। इस देश के अंदर एक डिलीवरी की सिस्टम जो इस प्रकार से करप्ट हो चुकी थी कि जिसके चलते देश की तरक्की रुक जाती थी और कहीं ना कहीं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कहना पड़ता था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। उसको पूरी तरीके से बदलकर मैं दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजूंगा तो पूरा 1 रुपया अंतिम आदमी के खाते में सीधा जाएगा, इस प्रकार की डिलीवरी सिस्टम को तैयार करने का काम आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया और इसलिए देश तरक्की की ओर जा रहा। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम एक विकसनशील देश है और कई बार विकसनशील देश हो चाहे विकसित देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था को आंकते हुए उसकी जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है इसके आधार पर आंका जाता है। और ग्रोथ रेट के बारे में कई बार चर्चाएं होती है और पिछले कई सालों में कभी हमारा ग्रोथ रेट आगे बढ़ा, कभी कम हुआ। अब तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा होगा, इस प्रकार का भी प्रेडिक्शन है। किंतु मूल रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रोथ रेट की बात करता था तो इस देश में एक धड़ा ऐसी चर्चा करता था कि आप क्या ग्रोथ रेट की बात करते हो, इस ग्रोथ रेट में गरीब तो है ही नहीं, ये ग्रोथ रेट तो चंद लोगों के भरोसे, अगर जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है तो ये जीडीपी ग्रोथ ये मुट्ठी भर लोगों की ग्रोथ है और इससे डिस्पैरिटी बढ़ रही है, जो दूरियां है अमीरों में गरीबों में वो दूरियां बढ़ रही है, इस प्रकार की एक चर्चा बार बार हुआ करती थी। लेकिन इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ही पूरे तरीके से मोदी जी ने बदल दिया। जिस मोदीनॉमिक्स की बात की जाती है उस मोदीनॉमिक्स में मोदी जी ने सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि विकसनशील देश में जब हमारे विकास की अवधारणा हम करते हैं तो उसमें एक बड़ा निवेश ये स्टेट करता है, राज्य करता है, देश करता है, देश की सरकार करती है, जो जीडीपी के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एक एक्सीलरेटर का काम करती है। इस जीडीपी ग्रोथ में सरकार के निवेश की पद्धति को बदलकर गरीबों के लिए निवेश करने का काम मोदी जी ने शुरू किया और जीडीपी ग्रोथ में जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री को एक प्रकार से इंडस्ट्री का चक्र चले, इस दृष्टि से जो सारे कार्यक्रम हाथ में लिए गए तो गरीब कल्याण के एजेंडे के तहत चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, चाहे वो शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे अलग अलग प्रकार की योजनाएं, जो सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, इन योजनाओं का हश्र क्या था तो इन योजनाओं में इस प्रकार का निवेश हुआ कि जिस निवेश के चलते हमारे देश की इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर
एक प्रकार की डिमांड मिली, उसके कारण उनको ग्रोथ मिली, उसके कारण उनको भी बड़े पैमाने पर एक प्रकार से साधन संपत्ति कमाने का एक अवसर मिला और उसके साथ साथ रोजगार की निर्मिति हुई। तो पहली बार मोदीनॉमिक्स में कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो आपकी ग्रोथ है ये मुट्ठी भर लोगों के लिए, क्योंकि ये ग्रोथ ही जो तैयार हुई वो गरीबों के कल्याण से तैयार हुई, गरीबों के लिए जो निवेश हुआ उस निवेश में से ये ग्रोथ तैयार हुई और एक नए प्रकार का ये ग्रोथ का फंडा इस देश के अंदर मोदी जी के इस सारे कार्यकाल में हमने देखा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बदली हुई कार्य संस्कृति है, बदली हुई विचार प्रणाली है और इस सबके पीछे एक हमारे नेता की दृढ़ता है। देखिए मोदी जी दिखते नहीं है, हमने अक्सर यह देखा कि राजनीति में अपने फैसलों से पलटने वाले बहुत लोग हमने देखे, कई बार प्रेशर में आकर, चाहे वो फिर चुनाव का प्रेशर हो, किसी ग्रुप का प्रेशर हो, इसके अंडर आकर बदलाव करने वाले कई लोग देखे, लेकिन चुनाव की चिंता नहीं, केवल देश की चिंता, देश का विचार करके लिया हुआ निर्णय कभी बदला नहीं जाता। हाँ, उसमें अगर कोई आवश्यक परिवर्तन है, उसको ट्विकिंग करना है तो जरूर किया जाता है, लेकिन किसी के भी दबाव में इस देश के निर्णय बदले नहीं जाते। ये जो कार्य संस्कृति आज इस देश में आई, इस दृढ़ता के कारण, इस अड़िगता के कारण आज देश विकास की ओर जा रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य प्रणाली इस प्रकार से अब नीचे तक पहुंच रही है कि जिसके चलते मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये कार्य संस्कृति एक ऑटो पायलट मोड पर चलेगी और यही कार्य संस्कृति हमारी डिलीवरी सिस्टम की भी कार्य संस्कृति बनेगी, हमारी गवर्नेंस की भी कार्य संस्कृति बनेगी और सदियों सदियों तक इस देश में आने वाले जो भी शासक होंगे उनको भी इसी कार्य संस्कृति के तहत कार्य करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम किसी व्यक्ति को युग पुरुष कब कहते हैं, जब उस युग के मूल्यों को बदलने का काम वो करते हैं, और 21वीं शताब्दी के मूल्यों को बदलने का काम और यहाँ पर नए मूल्यों को स्थापित करने का काम और पवित्र मूल्यों को स्थापित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और यही 20 वर्षों की उनकी उपलब्धि है। हम सभी लोग आदरणीय हमारे गृहमंत्री जी को सुनने के लिए लालयित है और गृहमंत्री जी इस विकास यात्रा के एक सहयोगी भी रहे हैं और निश्चित रूप से उनका भी एक बड़ा योगदान इस विकास की यात्रा में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 सालों के ये सारा जो सफर रहा है इसके ऊपर एक प्रकार से हम अंग्रेजी में जिसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं या एक्सपीरियंस कहते हैं वो हमारे बीच आदरणीय गृहमंत्री जी रख सकते हैं और इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन रामभाव माळगी प्रबोधिनी को ये मौका मिला, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।